हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 15 अगस्त एंड सबसे पहले सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 15 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। काफ़ी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग में मैं आपके साथ इसे एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। एंड अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करेंगे आपके लिए एक सेकंड लगेगा बट मुझे पूरा दिन अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो सबसे पहले क्यूज टाइम, प्रीवियस डे क्वेश्चंस। नेम द इंडियन हु वॉन द हिंदू प्ले राइट अवार्ड 2018। तो 2018 का द हिंदू प्ले राइट अवार्ड ये किसने जीता, तो इसका आंसर आपको बताना है इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। तो फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम कौन है, तो आपको इसका आंसर भी बताना है मुझे इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। एंड आज 15 अगस्त है तो आज ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होगा। द इंडियाज फर्स्ट ऑल वुमेन स्पेशल वेपन एंड टैक्टिस स्वैट टीम हैज़ बीन इंडक्टेड इन विच स्टेट पुलिस। तो एक स्पेशल टीम होगी, वुमेन टीम होगी, तो आपको ये बताना है कि कौन सी टीम के साथ ये, कौन सी स्टेट के साथ ये ज्वाइन करेगी, कौन सी स्टेट पुलिस के साथ, ठीक है। इसका भी आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स सेक्शन। अब स्टार्ट करते हैं 15 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट टॉप्ड इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो कौन सी स्टेट ने टॉप किया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसा कौन सा राज्य बना, स्टेट बना, जहाँ रहना सबसे आसान है, बिकॉज वहाँ की जो सारी फैसिलिटीज़ दे रही है गवर्नमेंट, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ सबसे अच्छी हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सबसे अच्छी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ सबसे अच्छी हैं, मतलब वहाँ रहना वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है एंड वहाँ सब फैसिलिटीज़ ईजिली प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब आपको ये बताना कौन सी स्टेट बनी है, तो ये है जी हमारी ऑप्शन नंबर ए पुणे, ठीक है। पुणे ने इस केस में सबसे ज़्यादा टॉप पे रही एंड 111th है टोटल, एंड सबसे जो लास्ट में रही वो ही रही इटनागर, एंड जो सेकंड नंबर पे नवी मुंबई एंड थर्ड पे ग्रेटर नोएडा। तो फर्स्ट तीन आपको पता होनी चाहिए, लास्ट में भी पूछते हैं, इटनागर सबसे लास्ट में, फर्स्ट में पुणे, सेकंड ग्रेटर नवी मुंबई, थर्ड ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेस्क्यू ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी इन फ्लड एरियाज ऑफ केरला। तो केरला में काफ़ी ज़्यादा बारिशों की वजह से फ्लड आ गया, तो एक ऑपरेशन चलाया, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है इंडियन आर्मी, तो आपको वही बताना है कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम क्या है। उस रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सहयोग, एंड इंडियन आर्मी सहयोग चला रही है एंड इंडियन नेवी भी वहाँ एक ऑपरेशन चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मदद, ठीक है। ऑपरेशन सहयोग बाय इंडियन आर्मी एंड ऑपरेशन मदद बाय इंडियन नेवी। एंड अबाउट केरला, वहाँ की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम एंड वहाँ के जो सीएम है वो है पिनराज विजयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकेम द यंगेस्ट इंडियन गोल्फर टू क्लेम एशिया टूर टाइटल। तो इंडिया के यंगेस्ट गोल्फर बने जिन्होंने क्लेम किया एशियन टूर टाइटल को, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन से यंगेस्ट बने, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी विराज मडप्पा, एंड इससे पहले थे गगनजीत बुल्लर थे, उनकी एज 21 ईयर्स थी, अब ये इनकी जो इन्होंने विराज मडप्पा हैं जो इन्होंने ये टाइटल जीता, तो इनकी एज है ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट हैज़ डिसमिस्ड विच बैंक फॉर्मर CEO MD इन रिलेशन विद नीरव मोदी बैंक फ्रॉड केस। तो एक नीरव मोदी बैंक फ्रॉड केस, अराउंड 1400 करोड़ का घोटाला हुआ था, तो इस बैंक के कौन से बैंक के जो CEO थे इस फ्रॉड केस के साथ लेट थे एंड उन्होंने गवर्नमेंट ने उसे उन्हें डिसमिस कर दिया। तो ये रहे इस कौन से बैंक की MD थी, CEO थी, एक वुमेन थी, लेडी थी, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलाहाबाद बैंक की थी, उषा आनंद सुब्रमण्यम इनका नाम था, ठीक है। तो उन्हें गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया क्योंकि उसका इनका रिलेशन था विद नीरव मोदी बैंक फ्रॉड केस, अराउंड 1400 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ था। बस आपको इतना पता उनसे अलाहाबाद बैंक की थी एंड इनका नाम क्या था, उषा आनंद सुब्रमण्यम। विच स्टेट ऑब्जर्व शहीद सम्मान दिवस। तो कौन सी स्टेट ने शहीद सम्मान दिवस ऑब्जर्व किया था 14 अगस्त को, ठीक है, ये 14 अगस्त को हुआ कल, तो ये कौन सी स्टेट ने किया, ये किया जी हमारी मध्य प्रदेश ने, ठीक है। मध्य प्रदेश में शहीद सम्मान दिवस सेलिब्रेट किया गया, तो शहीदों के परिवार को उनको वहाँ पे बुलाया गया, वहाँ ये सब कुछ हुआ, उनको सम्मान वगैरह, ठीक है। तो शहीदों को जो श्रद्धांजलि दी गई, एंड अबाउट मध्य प्रदेश, वहाँ की जो कैपिटल है वो है भोपाल एंड वहाँ के जो CM है वो हैं शिवराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नर पास्ड अवे। तो एक स्टेट है वहाँ के जो गवर्नर हैं रिसेंटली उनकी डेथ हो गई, तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेट के गवर्नर हैं जिनका निधन हो गया, ठीक है। तो वो जो स्टेट छत्तीसगढ़ के गवर्नर थे बलराम
बलराम जी दास टंडन थे, उनका नाम था, 90 ईयर्स की एज थी उनकी। तो कार्डिक अटैक हुआ उनका रिसेंटली, तो उनकी डेथ हो गई। तो ये कौन से स्टेट के थे? छत्तीसगढ़ स्टेट के, ठीक है। एंड अभी न्यू गवर्नर बनेंगे जब हो तब के तब। एंड इनका नाम मैं आपको फिर से बताता, बलराम जी दास टंडन। एंड अबाउट छत्तीसगढ़, वहाँ की जो कैपिटल है वो है रायपुर, एंड वहाँ के जो CM है राइट नाउ रमन सिंह। फर्स्ट जेनेटिक बैंक फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो ये जेनेटिक बैंक फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैज़ बिन, ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जेनेटिक बैंक किसके लिए होगा? वो मूवी देखी ना आपने विकी डोनर, तो बस वही है। वो ह्यूमन केस में था, तो अब ये एनिमल केस में होगा, ठीक है। तो हैदराबाद में होगा ये जेनेटिक बैंक खोला जाएगा, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये कौन सी जगह खोलेंगे? ये खोलेंगे हैदराबाद में, ठीक है। एंड जो यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो हैं हर्षवर्धन जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डे द 2018 वर्ल्ड एलिफेंट डे वाज ऑब्जर्व रिसेंटली? 2018 के जो वर्ल्ड एलिफेंट डे, कौन सी डेट को हमने इसे ऑब्जर्व किया, ठीक है। इसे किया जी 12 अगस्त को, एंड 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे था, एंड 12 अगस्त को एक चीज़ और थी, इंटरनेशनल यूथ डे था, ठीक है। तो ये दोनों, या हाथियों का पूछें या यूथ का पूछें, तो 12, ठीक है, 12 अगस्त को दोनों ऑब्जर्व किए जाते हैं, हम इसे सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को। विच सिटी होस्टेड इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल? तो एक फेस्टिवल हुआ इंडिया नेपाल लिटरेचर, जहाँ सारे लिटरेचर के थे जो, तो वो आए थे, लोग आए थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था। तो ये कहाँ पे हुआ ये फेस्टिवल हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ? ना इंडिया में, हमारे इंडिया में नहीं हुआ, ये हुआ ऑप्शन नंबर डी नेपाल में हुआ, बिरगुंज वहाँ की कोई जगह है, वहाँ पे ये फेस्टिवल हुआ। एंड सबसे पहले जो ये क्वेश्चन, जो अगर इसके रिलेटेड कुछ पूछा लिटरेचर के, बताता हूँ। हमारे इंडियन जो बने थे जिनको फर्स्ट लिटरेचर अवार्ड मिला था, लिटरेचर में मिला था, तो ये मिला था लिटरेचर में, नोबेल प्राइज मिला था, ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। विच बैंक रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड आयरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन फॉर आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन थ्रू माइक्रो ATMs? तो आयरिस स्कैन करेंगे, पहले हाथ स्कैन होते थे, फिंगर प्रिंटिंग्स, मतलब आपके फिंगर स्कैन करते थे, थंब इम्प्रेशन लगता था, बट ये कौन सा बैंक है जो ये आपकी जो अपने ATMs वगैरह में बनाएंगे, तो आपको जो आपकी जो वेरिफिकेशन होगी वो थ्रू आयरिस होगी, ठीक है, आयरिस स्कैन होगा आपका। तो ये कौन सा बैंक करेगा? तो ये करेगा एक्सिस बैंक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के क्वेश्चन, थोड़ी फास्ट करें, एक्चुअली काफ़ी टाइम, अराउंड 10 रिकॉर्ड कर चुका हूँ ये वीडियो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। एंड अब ये मेरे लैपटॉप की बैटरी भी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इस टाइम लाइट नहीं है, तो ये भी डाउन होने वाली है। तो उम्मीद अपनी तरफ से तो कोशिश पूरी की, उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छा ज़रूर लगा होगा, थोड़ी फास्ट किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल टेक केयर। एंड वीडियो लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको ये अच्छा लगा, एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।